हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद फिर से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लगभग 1 महीने के बाद, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था इसलिए ब्लॉगिंग नहीं किए थे। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जुगली पार्क टाटा जमशेदपुर, जो कि हमारे गांव से 70 या 75 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर बने रहें। जा रहे हैं 3 आदमी मेरे दोस्त लोग के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, चलते हैं सीधे जुगली पार्क जमशेदपुर, जो कि 3 मार्च को लगता है मेला। कभी गए नहीं है, पहली बार जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहें। बहुत ही ज़्यादा रास्ता ख़राब है दोस्तों, ऐसे तो जाता है रंगामट्टी की ओर से, तो उधर बहुत ही दूर पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं लेपाटन मेला जो लगता है, उधर से जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना रास्ता ख़राब है इधर। बहुत ही ज़्यादा रास्ता ख़राब है, एकदम कच्चा रास्ता, तो बहुत इसीलिए स्लोली स्लोली जाना पड़ रहा है। हम लोग को डायरेक्ट जाने का था टाटा जमशेदपुर जुगली पार्क, तो हम लोग इधर से जाएंगे चांडिल साइड से, क्योंकि रूम घुस लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ एक दोस्त बोला है कि साथ में चलेंगे, तो उसी को पिकअप करने के लिए जाएंगे, वो भी जाएगा हम ही लोग के साथ में मेला देखने के लिए। तो इसीलिए हम लोग इधर से क्या? तो देखिए दोस्तों, देख सकते हैं लेपाटन मेला पहुंच गए हैं, यहाँ पे लगता है मेला। तो इधर से जा रहे हैं अभी सीधे चांडिल की ओर। चांडिल डैम पहुंच गए हैं, तो अभी हम लोग को जाना है चांडिल वहाँ चौक की ओर, क्योंकि वहीं पे मेरा एक दोस्त है, वेट कर रहा है, उसी के साथ चलेंगे जमशेदपुर। तो देखिए अभी इवनिंग व्यू चांडिल डैम का कैसा व्यू है अभी। देखिए कितना सारा इधर फोटो वोटो खिंचा रहे हैं लोग। अभी शाम शाम को रूम पर पहुँच गए हैं चांडिल, तो इधर सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, थोड़ा आगे में रूम है नीचे में। तो फाइनल दोस्तों, मेरे दोस्त से मिल लिए हैं चांडिल में, अभी अब निकलेंगे अभी सीधे मेला की ओर जमशेदपुर, एंजॉय करेंगे। फाइनल दोस्तों, जा रहे हैं अभी मेला की ओर, पूरा रात हो चुका है अभी, तो अभी रात में मेला लगता है, तो जा रहे हैं अभी, वीडियो पे बने रहे दोस्तों, मेला पहुंच के आप सबसे मिलते हैं। तो टाटा नगर का गोल चक्कर पहुंच गए, अब थोड़ी दूर के बाद जुगली पार्क पहुंचने वाले हैं, कुछ वही ज़्यादा दूर नहीं है। In 300 meters at the roundabout, take the 3rd exit onto Park Arterial Road. फाइनल दोस्तों, जुगली पार्क का गेट पहुंच गए हैं, और सभी को सभी दोस्त आए हैं। देखिए आगे का नज़ारा, देखिए जुगली पार्क का व्यू, हम आपकी मम्मी इंतजार कर रही है, लेट के पास चले हैं, आपकी मम्मी बहुत ही मस्त लग रहा है दोस्तों जुगली पार्क में, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया लाइटिंग लगा हुआ है।
मेला घूम के, क्योंकि जुबली पार्क मेला पहली बार आए हैं हम, इससे पहले कभी नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम आए हैं ये मेला। तो देखिए दोस्तों मेला का व्यू कैसे है, पूरा किधर पानी एकदम ऊपर से नीचे हो रहा है, पानी देख के दिल गार्डन गार्डन हो रहा है दोस्तों, बहुत तगड़ा है। बुलेट का फोटो खींच रहे थे, दोस्तों ये देख सकते हैं ये लाइटिंग का नज़ारा, कैसा नज़ारा है पीछे से, पानी कैसा है, वहाँ चला चलिए दोस्तों आगे घूमते हैं। दोस्तों कितना प्यारा लाइट जल रहा है, इधर मस्त कितना व्यू आ रहा है, देखिए लाइटिंग, कभी जिंदगी में ऐसा लाइटिंग नहीं देखा था जैसा देखने को मिल रहा है आज जुगली पार्क आके, जो खुशी मिल रहा है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रहा है। इधर और भी देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा लाइट लगा हुआ है पानी में, और पानी कैसे ऊपर से नीचे हो रहा है किधर, बहुत ही प्यारा लाइटिंग मार रहा है दोस्तों, ये देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है कि कितना सारा लाइटिंग लगा हुआ है पानी में, और कितना सारा भीड़ लगा हुआ है देखिए मेला में, बहुत ही मस्त व्यू क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, और दिल बहुत खुश हो गया ये मेला घूम के। दोस्तों कितना प्यारा लाइटिंग देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि पहली बार आए ना दोस्तों जुगली पार्क मेला, इससे पहले कभी नहीं आए थे, इसीलिए देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और यहाँ का व्यू काफ़ी मस्त है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ, लाइटिंग और पानी का तो बात ही नहीं कर सकते, ऐसा पानी में लाइटिंग लगा हुआ है ना कि कुछ बोल ही नहीं सकते, बहुत ही मस्त बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए जैसे ऊपर में कैसे पानी उड़ रहा है झरना का जैसा, घंटा मेला घूम लिए, पूरा मेला में फुल एंजॉय लिए, बहुत ही मस्त लगा मेला घूम के, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, और दोस्तों 3 घंटा घूमने के बाद मेला पूरा थक चुके हैं, तो अब दोस्तों चलते हैं चांडिल रूम की ओर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात भी हो गया, 11 बज गया रात के, तो चलिए दोस्तों चलते हैं चांडिल की ओर रूम। तो फाइनली दोस्तों रूम पहुँच गए हैं अभी, बहुत ही ज़्यादा नींद भी लग रहा है, रात भी हो गया है,
तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। तो मेरे वीडियो अगर मेरे ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए दोस्तों यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।